हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि आपको यहाँ पे आपके चैप्टर्स को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है, तो चलिए आज हम करते हैं क्लास सिक्स का इंग्लिश का इंग्लिश की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 9, व्हाट हैपेंड टू रिप्टाइल्स। तो चलिए बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। You may not believe this story, मतलब आप इस कहानी पे विश्वास नहीं करेंगे, but I can tell you it is true, परंतु मैं ये आपसे कह सकती हूँ कि ये बात सच है, because I have been to Pambupati, Pambupati, a village on the edge of the jungle। मैं ऐसा इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं पम्बुपति, एक गांव है जिसका नाम है पम्बुपति, मैं वहां गई हूं, और एक ऐसा गांव है जो कि जंगल के ऑन द एज ऑफ जंगल, मतलब जंगल के किनारे पर है, मतलब उस गांव के बाद जंगल शुरू हो जाता है। इट इज़ ऑन अ क्लिफ, वो एक ढलान के ऊपर है, एंड अ वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कारपेट, और उसके पीछे जो है बहुत दूर दूर तक बड़े बड़े जंगल फैले हैं जो कि एक हरे कालीन की तरह दिखते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, डार्क, फेयर, टॉल एंड शॉर्ट, मतलब उस गांव में बहुत तरह के लोग हैं, कुछ गहरे रंग के हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ लंबे हैं, तो कुछ छोटे कद के हैं। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सी भाषाएं बोलते हैं। सम ईट मीट, सम डोंट, उनमें से कुछ मीट खाते हैं और कुछ नहीं खाते। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और उनमें से कुछ जंगल के किनारे पर एक जो पुराना मंदिर है वहाँ पे जाके पूजा करते हैं। अदर्स प्रे इन अ मॉस्क सम माइल्स अवे, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कुछ मीलों की दूरी पर एक मस्जिद है वहाँ जाकर पूजा करते हैं। माई नेम इज़ प्रेम, मेरा नाम प्रेम है, एंड आई लिव मैनी हंड्रेड माइल्स अवे फ्रॉम पम्बुपति, और मैं पम्बुपति से कई सौ मील दूर रहता हूँ। I had heard about the village, मैंने इस गांव के बारे में सुना था, but I would never been there, परंतु मैं वहां कभी नहीं गया। Then last year something terrible happened, और तभी पिछले साल कुछ भयानक हुआ। The people of my own village went mad, मेरे अपने ही गांव के लोग पागल से हो गए थे। Far far away in a place they have never ever been to, a temple and mosque had been burnt down and they went mad, मतलब बहुत दूर किसी दूर की जगह जहाँ मेरे गांव के लोग कभी गए भी नहीं थे, वहाँ पे एक मंदिर और एक मस्जिद को जला दिया गया एंड दे वेंट मैड, और वो सब आपस में पागलों की तरह बिहेव करने लगे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, वो सब एक दूसरे से लड़ने लगे। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, और उनमें से कुछ लोगों को तो आधी रात को भागना पड़ा। एट 3 इन द मॉर्निंग एज आई ले इन माई हाउस, और जैसे कि सुबह के 3 बजे जैसे मैं अपने घर में लेटा हुआ था, हाफ अवेक टू द साउंड्स ऑफ हेट एंड वायलेंस, देयर वॉज अ फायर, और मैं आधा सोया आधा जागा था और मुझे वो लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुन भी रही थी। देयर वॉज अ फायर, वहाँ पे आग लग गई। मैनी हाउसेज वर बर्नड डाउन इन द फायर, और उस आग में बहुत से घरों को जला दिया गया। वन ऑफ देम वॉज माइन, और उनमें से एक घर तो मेरा भी था। आई मैनेज टू ग्रैब फ्यू क्लोथ्स, मैं कुछ कपड़े ही जुटा पाया। सम कॉइन्स, कुछ सिक्के ले पाया। माई लिटिल गणेश स्टैचू, मेरे पास छोटी सी गणेश जी की मूर्ति थी वो मैंने ली। एंड आई रैन, और मैं वहाँ से भाग गया। आई रैन फॉर डे एंड अ नाइट, मैं पूरा एक दिन और पूरी एक रात भागा। रेस्टिंग
वट एवर वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, और मैंने तभी आराम किया जब मेरी टांगे मुझे आगे ले जाने से जवाब दे देती थी। आई जम्प्ड ऑन टू द ट्रेन, मैं पहले एक ट्रेन में, एक रेलगाड़ी में गया, और देन ऑन अ बस, और उसके बाद मैं बस में बैठा। नो टिकट्स, मेरे पास टिकट भी नहीं थी। नेवर माइंड, एवरी वन सीम्ड टू बी रनिंग, परंतु कोई बात नहीं, ऐसा लगता था कि सभी भाग रहे थे। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंपूपति एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल, और अंत में मैं पंबूपति नाम के गांव में पहुंच गया और मैंने वहां पे कुछ लोगों को कुएं के पास इकट्ठे खड़े देखा। आई रैन टू देम, मैं उनकी तरफ भागा, बट बिफोर आई कुड से एनीथिंग आई फेंटेड, और इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ कहता मैं बेहोश हो गया। व्हेन आई ओपन्ड माई आईज, जब मेरी आंखें खुली, आई सॉ एन ओल्ड मैन विद वाइट हेयर, तो मैंने एक आदमी को, बूढ़े आदमी को देखा जिसके बाल सफ़ेद थे, वाइट बर्ड, उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी, एंड शाइनिंग ब्लैक आइज बेंडिंग ओवर मी, और उसकी चमकदार काली आंखें मेरी तरफ या मेरे ऊपर झुकी हुई थी। फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज ही लुक आफ्टर मी, और अगले कुछ दिनों तक उन्होंने मेरी देखभाल की। पुटिंग फूड इन माई माउथ, उन्होंने मेरे मुँह में खाना डाला, एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और मेरे लिए झरने से मीठा ठंडा पानी लेकर आए। ही रब्ड माई फीट जेंटली, उन्होंने मेरे पैरों को अच्छे से मालिश की, आराम से मालिश की, एंड मेड द पेन गो अवे, और मेरे दर्द को भगा दिया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरी वन केम टू विजिट मी, उनके पड़ोसी और अजनबी सब लोग मुझे देखने आए। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, मुझे एक बात बताइए दादाजी, मैंने उन्हें एक दिन कहा। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर, मैंने यहाँ के लोगों की तरह, यहाँ के गांव वालों की तरह कभी भी लोग नहीं देखे। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, वहाँ मेरे गांव में तो लोग उन लोगों से लड़ाई करते हैं जो किसी दूसरे भगवान की पूजा करते हैं। बट हेयर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, परंतु यहाँ ये तो बहुत अजीब जगह लगती है। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, तो जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने उत्तर दिया प्रेम। आई विल टेल यू अ स्टोरी ऑफ पंबूपति, तो मैं तुम्हें पंबूपति की कहानी सुनाऊंगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, और तुम ये कहानी अपने गांव में वापस जाकर सुना सकते हो। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वूंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर, तो हो सकता है ये कहानी वहाँ के लोगों के कुछ जख्म दूर कर दे और उनके कुछ जख्म ठीक कर दे और उनके कुछ गहरे जख्मों को सुखा दे या गीले जख्मों को सुखा दे। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंक्शियसली, तो मैंने जल्दबाजी से या जिज्ञासा से भरकर कहा। जी दादाजी, डोंट से दैट, आप ऐसा मत कहिए। व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम, जो मैंने अपने गांव में देखा है उसकी वजह से तो मुझे बहुत शर्म आती है। आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, परंतु यही बात है जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। ही सेड, ऐसा दादाजी ने कहा इन अ सॉफ्ट वॉइस, उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट, मतलब बहुत नर्म आवाज़ में कहा। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। आई डिड नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम, मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड टू हेयर हिज स्टोरी, और मैं उनसे कहानी सुनना चाहता था। It happened a long, long time ago, he began. तो उन्होंने कहा, उन्होंने बात करनी शुरू की कि ऐसा बहुत बहुत साल पहले हुआ। So long ago that there were no schools and no teachers. और ऐसा तब हुआ, बहुत पहले की बात है, जब ना तो स्कूल होते थे और ना ही अध्यापक, मतलब टीचर्स होते थे। Children lived in caves with their parents. जो बच्चे होते थे वो अपने माँ बाप के साथ गुफाओं में रहते थे, and helped them
टू कलेक्ट फ्रूट, और वो उन्हें फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और वो अपने माँ बाप को फल और दूसरी चीज़ें जंगल से इकट्ठी करने में मदद करते थे। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स, तो उस समय चीते भी नहीं होते थे, और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पम्बुपति फॉरेस्ट, तो तब पम्बुपति का जो जंगल था वहाँ पे ना कोई चीता था, ना कोई भेड़िया था, ना कोई हाथी था, कोई भी जानवर नहीं था। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, तो वहाँ सिर्फ रेंगने वाले जानवर थे। मैनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स, बहुत तरह के रेंगने वाले जीव थे। नाउ यू नो व्हाट द रेप्टाइल्स आर, तो अब तुम्हें पता है कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं जैसे सांप हुआ, मगरमच्छ हुआ, कछुआ हुआ, छिपकली हुई, एंड यू नो दैट रेप्टाइल हैज़ स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड इट लेज एग्स, और तुम्हें ये पता है कि जो रेप्टाइल होता है, जो ये जो रेंगने वाले जीव होते हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स मतलब इनकी बॉडी पे निशान रहते हैं और ये अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पम्बुपति हैड अ बिग मीटिंग, एवरी वन केम, तो हर महीने जो पम्बुपति के ये रेंगने वाले जीव थे, इनकी बहुत बड़ी मीटिंग होती थी, हर कोई आता था। द प्रेटी एक्साइटेड स्नेक्स, द स्लो थॉटफुल टॉर्टोइस, चाहे तो वो सांप हों या फिर वो बहुत सोच कर चलने वाले कछुए हों, द क्लेवर क्विक लिजर्ड्स, चाहे वो चलाक छिपकलियाँ हों, एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और मन से चलने वाले चाहे वो मगरमच्छ हो। ग्रम्पी बिकॉज देवर आउट ऑफ वाटर, वो इसलिए गुस्से में होते थे क्योंकि उन्हें पानी से निकलना पड़ता था। द प्रेजिडेंट ऑफ दीज मीटिंग्स वॉज मकरा, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, और इन सभी मीटिंग्स को, इन सभी जो सभाएं होती थी, इनका जो हेड होता था वो था मकरा। मकरा कौन था? जो जंगल था उसका सबसे बड़ा मगरमच्छ। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट, तो सभी जानवरों को ये लगता था कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत खास है। वेन समवन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यू नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो अलॉन्ग विद वट ही सेज और डज, तो आप ये जानते ही हो, जैसे कि अगर कोई बहुत शक्तिशाली हो, कोई बहुत बल वाला हो, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि हम जो भी वो कहे उसके उलट जा पाए, मतलब उसके बिना जा पाए। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, अब एक दिन एक बड़ी हैरानी की बात हुई। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स, और ये बात महीने की जो मीटिंग होती थी उससे एक हफ्ता पहले की हुई। मकरा सेंट अ लेटर, मकरा ने एक चिट्ठी भेजी टू द टॉर्टोइस, उसने वो चिट्ठी कछुओं को भेजी, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, और उन्हें ये बोला कि वो मीटिंग में ना आए। आहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइस विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन इट्स शेल वॉज वेरी एंग्री, तो आहिस्ते नाम का एक बहुत बूढ़ा बड़ा जो कछुआ था, ऐसा कछुआ जिसके की पीठ पे, जिसका जो शेल होता मतलब खोल, जो उसकी पीठ पे जो खोल था उस पर काले और पीले रंग की तस्वीरें बनी थी। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में आ गया। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ? ही शाउटेड, वो चिल्लाया, हाउ डेयर दे, ऐसी उनकी हिम्मत कैसे हुई? बट नो वन ऑफ द टॉर्टोइस हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, परंतु जो जितने भी कछुए थे उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मीटिंग में जा पाएं। दे वर सो फ्यू, द अदर सो मैनी, क्योंकि उनकी गिनती बहुत कम थी और बाकी जानवर थे वो बहुत अधिक थे। बिफोर द मीटिंग द जाइंट मकरा पॉलिश्ड हिज टीथ, और मीटिंग से पहले जो मकरा था उसने अपने दांतों को अच्छे से चमकाया। विद द रेड फ्लावर ऑफ अ ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्क्ड, और उसने अपने दांतों को जो नदी के किनारे एक पेड़ का लाल फूल था उससे रगड़ रगड़ कर तब तक वो उनको चमकाता रहा अपने दांतों को, जब तक कि वो पूरी तरह से चमकने नहीं लगे। एवरी वन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, और मीटिंग की जगह पे हर कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगैन, तो उसने कहना शुरू किया, बहनों और भाइयों, ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा स्टॉप टॉकिंग,
और जैसा ही उसने ऐसा कहा तो सभी जो रेंगने वाली जीव थे, यहाँ तक कि जो किंग कोबरा सांप था, वो सब भी बोलना बंद हो गए। मकरा कंटिन्यूड हिज स्पीच, तो मकरा ने अपने भाषण जारी रखा। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉटर्स, अब मैंने ये सोच लिया है कि हमें कछुओं की ज़रूरत नहीं है। सो आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टूडे, तो मैंने अब उन्हें बोल दिया है कि वो आज ना आए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉटर्स, अब भाइयों बहनों क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम मगरमच्छों को, हम इन कछुओं को पसंद क्यों नहीं करते। द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट, तो जो बाकी के रेंगने वाले जीव थे वो इधर उधर देखने लगे। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। द स्नेक्स हिस्ड एंक्शियसली, तो जो सांप थे वो भी हिस्ट मतलब अपना आवाज़ निकालने लगे। द लिजर्ड्स रिगल्ड देयर टेल्स, जो छिपकलियाँ थी उन्होंने अपनी पूंछ हिलाई। द क्रोकोडाइल्स ओपन देयर जार्स इवन वाइडर, और जो मगरमच्छ थे उन्होंने अपने मुंह और चौड़े खोल लिए। बट सेड वन लिजर्ड, परंतु एक छिपकली ने कहा, पर नो बट्स शाउटेड मकरा, तो जो मकरा था बड़ा मगरमच्छ वो चिल्लाया, कोई पर नहीं। देयर वॉज अ साइलेंस, वहाँ पे चुप्पी छा गई। आई थिंक सेड द बेबी क्रोकोडाइल, तो एक छोटे से मगरमच्छ के बच्चे ने कहा, मैं सोचता हूँ। नो आई थिंक, स्क्रीम्ड मकरा, तो मकरा चिल्लाया, कुछ सोचना नहीं। सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन्ड डाउन, वो इतना ज़ोर से चिल्लाया कि उसके ऊपर जो पेड़ का फलों वाला पेड़ था उसके फल नीचे गिर गए। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक, इसके बाद किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। मकरा क्लियर्ड हिज थ्रोट, तो मकरा ने अपना गला साफ किया। एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, और अपने कुछ और दांत दिखाए। वेल ही सेड, हाँ उसने कहा, I will tell you why we don't like the tortoises. तो उसने कहा, मैं आपको बताता हूँ कि हमें कछुए क्यों पसंद नहीं हैं। They are so slow, वो बहुत धीरे चलते हैं। So stupid, बहुत मूर्ख हैं। They even carry their houses on their back, और वो अपनी पीठ पर ही अपना घर लेकर चलते हैं। Who ever heard of such a stupid thing? तो कभी किसी ने ऐसे मूर्ख के बारे में सुना है? Now you lizards, you live in trees. अब आप बताओ छिपकलियों, आप पेड़ों पे रहती हो। वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक, क्या आप एक पेड़ को अपनी पीठ पे उठा के चलते हो? वुड यू, क्या आप ऐसा करोगे? द स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर, नो वी वुडंट, नहीं। तो जो वो छोटी छोटी छिपकलियाँ थी डरते हुए उन्होंने बोला, नो हम ऐसा नहीं करेंगे। बट परंतु नो बट नाउ लिसन, नहीं कोई पर नहीं, अब सुनो। I have told the tortoises that they will have to move out of Pambupati. तो मैंने इन कछुओं को बोल दिया है कि उन्हें पम्बूपति से बाहर जाना होगा। When they go, we will have more of everything. तो जब वो चले जाएंगे तो हमारे पास हर चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। More food, ज़्यादा खाना होगा। More water, ज़्यादा पानी होगा। More space, ज़्यादा जगह होगी। I want them आउट बाई टमोरो, और मैं ये चाहता हूँ कि वो कल तक चले जाएँ। बट बिकॉज दे आर सच अ स्लो कोचेज, आई हैव गिवन देम वन वीक, परंतु क्योंकि वो स्लो कोचेज है, बहुत धीरे चलने वाले, परंतु वो बहुत धीरे से चलते हैं, इसलिए मैंने उन्हें एक हफ्ता दिया है। बट बाई नेक्स्ट ट्यूजडे वी वॉन्ट हैव अ सिंगल टॉर्टोइस लेफ्ट इन दिस जंगल, तो अगले मंगलवार तक हमारे पास इस जंगल में एक भी कछुआ नहीं होगा। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूजडे दे वर ऑल गॉन, और अगले मंगलवार तक वो सब जा चुके थे। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, पहले तो जो बाकी जानवर थे वो बहुत दुखी थे। बट देन दे रियलाइज्ड दैट व्हाट मकरा हैज़ सेड वाज़ ट्रू, परंतु फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि जो मकरा ने कहा था वो सच था। देयर वाज़ मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम, जंगल में उनके लिए ज़्यादा खाना था, ज़्यादा पानी था और ज़्यादा जगह थी। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगैन टू फिल द फॉरेस्ट, परंतु जल्दी ही एक अजीब सी बदबू ने पूरे जंगल को भरना शुरू कर दिया। इट वॉज़ अ स्मेल ऑफ रॉट,
ये थी गले हुए खाने की बदबू, रॉटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, ऐसा खाना जो कि ज़मीन पे पड़ा सड़ता रहता था, रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर, और नदी में सड़ते हुए जानवर थे। दिस वॉज वॉट द टॉर्टोइस यूज टू ईट, और यही सब था जो वो कछुए खाते थे। एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज, और बदबू इतनी फैल गई कि जो मकरा था उसे भी अपने बड़े पंजों से अपना नाक दबाना पड़ा। अ मंथ पास्ड बाय, एक महीना बीत गया। एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, और फिर दोबारा ऐसा ही हुआ। बट बाय दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स, और ऐसा इस बार सांपों के साथ हुआ। मकरा रॉट देम वन ऑफ हिज लेटर्स, मकरा ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट, उन्हें भी जंगल छोड़ना था। एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे, और क्योंकि वो जल्दी चल सकते थे इसलिए उन्हें एक ही दिन में जंगल छोड़ के जाना था। नागा द हेड ऑफ स्नेक्स प्लेडिड फॉर मोर टाइम, नाग जो कि सांपों का हेड था, सांपों का मुखिया था, उसने थोड़े और समय के लिए रिक्वेस्ट की। बट मकरा वुड नॉट गिव इन, परंतु मकरा ने उसे और समय नहीं दिया। एट द मीटिंग ही साइलेंस्ड अदर, और मीटिंग में उसने बाकी सबको चुप करा दिया। द लिजर्ड्स एंड द क्रोकोडाइल, और बाकी सब कौन थे, जो बाकी छिपकलियाँ थी और जो बाकी मगरमच्छ थे, सबको चुप करा दिया। विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेड्स, और उन्हें जो लोग जोर से बोल रहे थे उन्हें उसने चुप करा दिया। स्लेक्स आर स्लिमी, ये जो सांप होते हैं बहुत पतले होते हैं, ही सेड दे मेक फनी नॉइसेस, और वो अजीब सी आवाज़ें भी निकालते हैं। हु वॉन्ट सच अ वियर्ड क्रिएचर अराउंड, और इस तरह के अजीब जानवरों को कौन अपने आसपास चाहेगा। अगेन नो वन डेयर्ड टू डिसएग्री टू मकरा, और दोबारा फिर से किसी ने भी मकरा की मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत ना की। एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट, और सांप भी वहाँ से चले गए। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी, कुछ समय के लिए तो जानवर, जो जंगल के जानवर थे, वो बहुत खुश हुए। बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, क्योंकि उन्हें थोड़ा थोड़ा सांपों से डर भी लगता था। यू नेवर नो व्हेन वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर, क्योंकि आपको ये कभी भी पता नहीं होता था कि उन सांपों में कब गुस्सा आ जाए। एंड स्पिट सम वेनम एट यू, और वो आपके ऊपर अपना जहर डाल दें। एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल, और जहाँ तक आप जानते हैं कि आपको किसी को भी मारने के लिए सांपों को तो सिर्फ थोड़े से जहर की ज़रूरत होती है। अ फ्यू डेज पास्ट, और इसके बाद फिर से कुछ और दिन निकल गए। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड टायर्ड एंड फेड अप, तो जो जंगल के जानवर थे वो सब थके थके रहने लगे। द रैट्स नाउ दैट वर देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम, और जो चूहे थे अब उन्हें खाने के लिए कोई भी सांप नहीं था। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, और इसकी वजह से जंगल में चूहों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और वो बहुत अच्छे से समय बिता रहे थे। दे वर एवरीवेयर, वो सब जगह थे, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, इन द ग्रास, घास में, इन द बुशेज, झाड़ियों पे, ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर। दे एट अप द एग्स ऑफ लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल, वो छिपकलियों और मगरमच्छों के अंडे खा जाते थे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, और उस साल किसी के भी बच्चे नहीं होंगे। मकरा's own nest of eggs had been chewed up, और मकरा का खुद का जो घोंसला था उसमें से भी अंडे चूहे खा गए थे। Then Makra had a great idea, और इसके बाद मकरा को एक अलग विचार आया। He called a meeting of the crocodiles, तो उसने सिर्फ मगरमच्छों की मीटिंग बुलाई। And said, और कहा, would it be wonderful if we the crocodiles could have the whole jungle for ourselves, तो उसने कहा कि अगर क्या ऐसा बढ़िया नहीं होगा अगर पूरा जंगल जो है सिर्फ हमारे मगरमच्छों के पास हो। नो ओनली नो वन बट अस, कोई और नहीं सिर्फ हम ही हो। दीज लिजर्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम, ये जो छिपकलियाँ हैं अब इनको देखो जरा। दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स, सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, तो इनकी जो आदतें हैं वो बहुत अजीब हैं, इनमें से कुछ तो अपना रंग भी बदल लेती हैं।
How can we trust someone who is green 1 minute, red the next? कि हम कोई भी ऐसा जो एक समय पे तो हरा है और अगले ही समय पे लाल है, हम ऐसे पे ऐसे जीव पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? लेट्स गेट रिड ऑफ देम, चलिए हम इनसे भी छुटकारा पाते हैं। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकरा, और अभी तक जो मगरमच्छ थे वो मकरा से बहुत बुरी तरह डरते थे। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, इसलिए वो उन्होंने तालियां बजाई और खुश हुए। मकरा वॉज प्लीज्ड, मकरा बहुत खुश हो गया। द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट सम ऑफ देयर बेबीज ऑन देयर बैक, जो छिपकलियाँ थीं वो अपने बच्चों को अपनी पीठ पे बिठा कर वहाँ से चली गई। बट नाउ द लाइफ शुड हैव बीन When life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupati, all kind of things began to happen. परंतु अब तक जबकि पम्बूपति के जो मगरमच्छ थे उनकी लाइफ तो बहुत मज़ेदार होनी चाहिए थी, बट कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। To begin with, the rats grew bolder by the day. और अगर हम शुरू करें तो जो चूहे थे वो हर दिन ब दिन और हिम्मती होते जा रहे थे। They became so fearless that they jumped and turned somersaults on the crocodile's back. और वो इतने हिम्मती हो गए थे, इतने बेडर हो गए थे कि वो जो मगरमच्छ थे उनकी पीठों पर कूदते रहते थे। And there were too many frogs too. और वहाँ पर बहुत से फ्रॉग होता है मेंढक, वहाँ पे बहुत से मेंढक भी थे। They seemed to grow larger. और जो मेंढक थे सॉरी ऐसा लगता है कि वो और बड़े होते जा रहे थे। देर वॉज नो वन टू ईट बट द क्रोकोडाइल, और मगरमच्छों के बिना उन्हें खाने वाला कोई भी नहीं था। दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगैन टू ईट बेबी क्रोकोडाइल्स, और ये जो बड़े बड़े मेंढक थे इन्होंने मगरमच्छों के बच्चों को खाना शुरू कर दिया। एंड द इंसेक्ट्स, और छोटे जीवों को भी। And now that the lizards were gone, there were millions of them. और अब कीट पतंगों की बात करें तो क्योंकि छिपकलियाँ वहाँ से जा चुकी थी तो वहाँ पर हज़ारों लाखों कीट घूमते थे। Growing bigger and nastier day by day. और वो दिन ब दिन बड़े होते जा रहे थे और गंदगी फैलाते जा रहे थे। It was a terrible time for the crocodiles. और ये मगरमच्छों के लिए बहुत बुरा समय था। They could not understand what had happened to their happy forest home. और वो ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि उनके जंगल के इस खुशी भरे घर को क्या हो गया था। Then one day a squeaky little voice piped up at one of their meetings. और तभी उनकी एक मीटिंग में एक पतली सी आवाज़ गूंजी। वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी डोंट वी, हम ये जानते हैं कि जो पूरा जंगल है वो क्यों ऐसा हो गया है, क्या हम ये नहीं जानते? सडनली एवरी वन वॉज साइलेंट, और तभी सब लोग चुप हो गए। दे लुक्ड एट मकरा फियरफुली, वो सब डरकर मकरा की तरफ देखने लगे। बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, परंतु उनकी हैरानी उनके लिए हैरानी भरी बात थी कि वो बहुत थोड़ा सा नर्वस, मतलब थोड़ा सा घबराया हुआ दिख रहा था। ही शूक अ रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, अब उसने अपने पूंछ से चूहे को भगाया और उस छोटे से मगरमच्छ से पूछा, व्हाई लिटिल फेलो इट ऑल बिगेन विद द टॉट, तो उसे उस छोटे से मगरमच्छ से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। इट ऑल बिगैन विद द टॉट, और वो ऐसा बोलने ही वाला था कि ऐसा कछुओं से शुरू हुआ। ओके ओके सेड मकरा, तभी मकरा ने कहा ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं था। मकरा डिड नॉट वॉन्ट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग, मकरा ये मानना नहीं चाहता था कि वो गलत था। बट इट डिडेंट मैटर, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और ऑलवेज राइट, तो सभी मगरमच्छ ही अच्छे से जानते थे कि अब वो इतना ना तो वो इतना शक्तिशाली था और ना इतना बलशाली था और ना ही वो हमेशा सही होता था। दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर टॉर्टोइ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स टू कम बैक टू पम्बूपति, तो उन्होंने सब जगह पे संदेश भेजे और कछुओं को सांपों को और छिपकलियों को पम्बूपति वापस बुला लिया। एंड वॉट अ ग्रेट डे इट वॉज वेन दीज क्रिएचर्स केम बैक,
और वो बहुत ही अच्छा दिन था जिस दिन ये सब जीव वापस आ गए फैमिली आफ्टर फैमिली विद देयर लिटल वंस ऑन देयर बैक एंड स्ट्रगलिंग बिहाइंड शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम। और वो दिन बहुत ही अच्छा था जब वो सब लोग अपने परिवारों के साथ परिवार के परिवार वापस आ रहे थे, तो किसी ने कुछ बच्चों को अपने पीठ पे उठाया था और कुछ के बच्चे पीछे से चिल्ला रहे थे अपने माँ बाप के लिए कि वो सब वहाँ उनकी वेट करें। इन टू मंथ द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, पूरे 2 महीनों में जो जंगल था वो आम बन गया, नॉर्मल बन गया। द रैट्स डिसअपीयर्ड, तो जो चूहे थे वो गुम हो गए। द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स ओल्डर सेल्फ, और जितने भी कीट पतंगे थे और पुरानी बदबू थी वो सब खत्म हो गए और जो पूरी दुनिया थी वो वापस पुरानी जैसी हो गई। वेल प्रेम, सेड द ओल्ड मैन, तो इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये बात थी प्रेम, हैव यू फॉलन एस्लीप, क्या तुम सो गए हो। डिड माई स्टोरी सेंड यू टू ड्रीम लैंड, क्या मेरी कहानी ने तुम्हें परियों के देश में भेज दिया है, ये सपनों की दुनिया में भेज दिया है। आई शूक माई हेड, मैंने अपना सिर हिलाया। नो ग्रैंड फादर, नहीं दादाजी। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं ये सोच रहा था, मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, मैं ये सोच रहा था कि ये समय है जब मैं अपने गांव वापस चला जाऊं। बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, क्योंकि मेरे पास एक कहानी है जो मैं उन्हें सुना सकता हूं। बट व्हाट इफ दे डोंट लिसन टू मी, परंतु अगर उन्होंने मेरी बात ना सुनी तो क्या होगा। वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन, वी कैन ओनली कीप एट इट, मतलब हम सिर्फ ये आशा कर सकते हैं मेरे बच्चे, टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल, आप ये कहानियाँ बार बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाओ। सम ऑफ देम विल लाफ एट यू और से द स्टोरीज आर नॉट ट्रू, कुछ लोग तुम पे हंसेंगे और ये भी कह सकते हैं कि ये कहानी सच नहीं है। बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, परंतु उन्हें एक दिन ये कहानी याद आएगी। एंड अंडरस्टैंड, और ये समझेंगे, दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ ours, और ये बात समझ पाएंगे कि इस जो अजीब और जो मज़ेदार दुनिया है इसमें हम सब की अपनी ही एक जगह होती है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आई कहानी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।